गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्लेनेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल्स एंड ईथर्स, जिसमें हमने एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट एक्सप्लेनेशन समझा था वो था ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ रिएक्शन विद CH3CO होल टॉइस ओ, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, जिसमें आपको बताया गया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, यानी कि निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईस्टर का निर्माण करता है। CH3COOC2H5, इसमें जो COO ग्रुप देख रहे हैं ये आपका ईस्टर ग्रुप होता है। तो ये हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन माने अपचेन। तो कह रहे हैं कि रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके जो उत्पाद होते हैं अपचेन के, वो हमारे अपचायक पर यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया यहाँ पर रिडक्शन विद सोडामाइड और सोडियम लिक्विड अमोनिया, यानी कि पहला जो हम अपना अपचयन करने जा रहे हैं उसमें जो अपचायक है वो या तो सोडामाइड हो सकता है या फिर सोडियम और द्रव्य अमोनिया का मिश्रण हो सकता है। तो देखिए क्या उत्पाद हमें प्राप्त होता है, C2H5O C2H5, ये हमारा डायथिल ईथर है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि इसका अपचयन होगा यहाँ पर सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में, तो बनेगा C2S6, यानी कि इथेन और साथ में C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये दो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो रिडक्शन है वो रिडक्शन विद एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली मेटल्स, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके एल्किल डेरिवेटिव्स, कैसे, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल C2S6 आपने पढ़ा, तो आप C2S6 में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसकी जगह पर कोई मेटल लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया हुआ है सोडियम, तो बन जाएगा C2H5Na, एक हाइड्रोजन चला गया, एक सोडियम आ गया। तो ये देखिए C2H5Na, यहाँ पर ये प्लस माइनस चार्ज जो है वो इस वजह से आया क्योंकि सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सोडियम का जो गुण होता है वो विद्युत आवेश धन आवेशित होता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन C2H5 को दे दिया, C2H5 के मॉलिक्यूल को, और उस पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और C2H5 पर माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ये सिर्फ प्लस माइनस सोडियम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से आता है। इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, देखिए C2H5O C2H5, बस इनको इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, इथर को डायथिल ईथर को ब्रेक करके लिख लिया है। अब रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये C2H5 और एक H मिल करके C2H6 वापस से बना लेंगे और Na जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3CH2O-Na+ सोडियम इथॉक्साइड और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ब्रेक हो जाता है। तो फाइनली तीन प्रोडक्ट मिले एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली मेटल्स की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराएंगे, पहला मिलेगा हमें इथेन, दूसरा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तीसरा सोडियम एथॉक्साइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रिडक्शन है बहुत कॉमन रिडक्शन है जो कि हम करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड तथा रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में। क्या होता है, जब डाई एथिल ईथर लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन करता है तो ईथेन का निर्माण होता है, साथ में जो वाटर है वो निकल जाता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, यानी कि हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीन तरह के हेलोजन अम्ल हमने पढ़े हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr और HCl, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें इन्होंने यहाँ पर जो इनकी क्रियात्मकता श्रेणी होगी, जो क्रम होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे अधिक क्रियाशील होगा HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl। अब देखिए HI के साथ क्या रिएक्शन है, तो कह रहे इन कोल्ड, एग्जाम्पल दिया है ऐसे ही जैसे यहाँ पर HI के साथ अभिक्रिया वैसे ही HBr और HCl के साथ होती है, तो सिर्फ HI का एग्जाम्पल दिया कि HI के साथ इन कोल्ड, मतलब जब ठंडा होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का सॉल्यूशन, कोल्ड HI की प्रेजेंस में जब हम डायथिल ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है C2H5OH और C2H5I, यानी इथाइल अल्कोहल और साथ में इथाइल आयोडाइड। लेकिन यहीं पर अगर हम इस विलयन को, इस सॉल्यूशन को गर्म कर दें तो क्या होता है, डाई एथिल ईथर दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के,
ये देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है ताकि हमारा जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो थोड़ा गर्म हो जाए और हमें प्राप्त होती है इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल और वाटर निकल जाता है। यानी कि कोल्ड के केस में इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा और हॉट होगी, जब गर्म होगी तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं होता है। ये थे हमारे डायएथिल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस। तो डायएथिल ईथर इज गुड सॉल्वेंट फॉर फैट, ऑयल, रेजिन्स एटसेट्रा। जो आपके फैट होते हैं, जो ऑयल होता है, जो रेजिन्स होते हैं, उनको डिजॉल्व करने में ये यूजफुल होते हैं, मतलब कि अच्छे विलायक माने जाते हैं वसा के और तेल इत्यादि के। दूसरा है इट इज़ यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। किसी विलायक को अगर हमें प्राप्त करना है तो भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट मीडियम इन केमिकल रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में इनर्ट यानी कि अक्रिय वातावरण, इनर्ट एटमॉस्फेयर या अक्रिय वातावरण का मतलब होता है कि जो मीडियम हो ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, यानी ना ही अम्लीय ना क्षारीय, एकदम न्यूट्रल मीडियम हो, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट ना हो, किसी भी तरह की कोई गैस उपस्थित ना हो, तो उसके लिए हम ईथर का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईथर है वो हमारा रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडक, शीतलक के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक ईथर। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल के साथ अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले हिंदी में आपको ये केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला था हमने पढ़ा अपचयन, तो अपचयन में कहा गया कि इस अभिक्रिया में बना उत्पाद अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस तरह से हमारे अपचायक होंगे उसी तरह का हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला अपचायक जो हमने लिया है वो लिया है सोडामाइड या फिर सोडियम तथा द्रव अमोनिया का मिश्रण। तो जब भी हमारा डायएथिल ईथर अपचयन करता है सोडियम और अमोनिया के मिश्रण की उपस्थिति में या सोडामाइड की उपस्थिति में, तो बनाता है इथेन तथा एथिल अल्कोहल यानी कि C2H6 और C2H5OH का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ये केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लाल फॉस्फोरस या अचाई के साथ अपचयन। तो लाल फॉस्फोरस या अचाई की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमें क्या होता है, सिर्फ एथेन जो है वो प्राप्त होता है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर, 2 अणु जो है C2H6 के प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से आप इसे कन्वर्जन की तरह भी याद रख सकते हैं कि डायएथिल ईथर से अगर आपको एथेन प्राप्त करना हो तो बस कुछ नहीं, लाल फॉस्फोरस और अचाई की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दी तो हमें हमारा एथेन जो है वो प्राप्त हो जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल जिनका साधारण सूत्र होता है HX, X यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जो अभिक्रिया का जो क्रम होता है उसमें कह रहे हैं सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड अभिक्रियाशील होता है और फिर इसके बाद जो होता है HBr क्रियाशील होगा और सबसे कम क्रियाशील होगा HCl। उदाहरण के रूप में यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई है। तो यह अभिक्रिया 2 तरह के वातावरण में हो सकती है, सबसे पहले ठंडे में, दूसरा गर्म में। जब आप वातावरण को ठंडा रख करके यानी कि मिश्रण को ठंडा रख करके इस अभिक्रिया को कराएंगे, डायएथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमें 2 विभिन्न अणु प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है एथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH का, दूसरा प्राप्त होता है एथिल आयोडाइड यानी C2H5I का। पर अगर आप इसी मिश्रण को गर्म कर देते हैं थोड़ा सा, डायएथिल ईथर और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिश्रण को अगर आप गर्म कर देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एथिल आयोडाइड ही प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। तो यही अभिक्रिया जो है इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ पूरी होती है। उपयोग की बात करें तो ईथर एक उत्तम विलायक है और इसका प्रयोग वसा है, रेजिन है इत्यादि चीज़ों को घोलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ईथर का उपयोग मैंने बताया था विलायक के निष्कर्षण में और साथ में शीतलक की तरह भी हम जो है ईथर का उपयोग कर सकते हैं। तथा एक और पॉइंट है कि जो ईथर है पेट्रोल के साथ अगर उसका मिश्रण हम बनाएं तो उसे हम ईंधन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि पेट्रोल के साथ ईथर का मिश्रण ईंधन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक ईथर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनॉल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिनॉल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनॉल। तो सबसे पहले बात आती है कि फिनॉल होता क्या है। फॉर्मूला तो हम सब ने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर OH ग्रुप लगा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। लेकिन केमिकल टर्म्स में या रासायनिक पदों में अगर इसके बारे में हम ज्ञात करें
तो फिनॉल जो होता है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक होता है। जो OH ग्रुप होता है आपका, इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। और जब ये किसी एरोमेटिक पदार्थ पे लग जाए या किसी एरोमेटिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट हो हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड या फिर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप हो सकता है हमारे फिनॉल का, जो हमारा टॉपिक भी है, और दूसरे हो सकते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, कि फिनॉल के केस में जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्ट आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, और इस बेसिस पर हमारे जो फिनॉल हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें बेंजीन रिंग से सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा होगा, और दूसरा हो सकता है डायहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें बेंजीन रिंग से दो या दो से ज़्यादा, तीन जो हो सकते हैं वो फेनिल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, OH ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है एरोमेटिक अल्कोहल्स, उनमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा। उस कंडीशन में जो आपका OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़े किसी कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। जैसे यहाँ देखिए CH2OH है, या CH2CH2OH है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, या फेनिल मिथेनॉल, या फिर टू फेनिल इथेनॉल, ये इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगी। बट हमारे कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ फिनॉल के बारे में पढ़ना है। तो फिनॉल में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नोमेनक्लेचर माने नामकरण पद्धति, जो फिनॉल है उसकी नेमिंग कैसे करी जाती है। तो दो तरह के सिस्टम मेनली लोग यूज़ करते हैं। पहला तो कुछ कॉमन सिस्टम है हमारा, कह रहे हैं इस सिस्टम में दे आर रिटन एज फिनॉल डेरिवेटिव्स इज यूज्ड एज बेसिक कंपाउंड इन दिस सिस्टम। जो कह रहे हैं फिनॉल जो है इसी के द्वारा ही इनका क्या होता है, नामकरण होता है, और इसमें जो इसके डेरिवेटिव्स आते हैं, जो व्युत्पन्न आते हैं, उनका नाम भी फिनॉल के नाम पर ही रखा जाता है। किस तरह से, उदाहरण में देख लीजिए, जैसे कि एरोमेटिक रिंग जो है आपकी, बेंजीन रिंग जो है, उससे सिर्फ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम सिर्फ फिनॉल होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के साथ BR लगा दिया तो नाम पड़ जाएगा ब्रोमोफिनॉल। और आप चाहें तो यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन बता सकते हैं। मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग में जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है, तो उसके जस्ट जो बगल वाले, जो साइड वाले कार्बन्स होते हैं दोनों, उनको ऑर्थो कार्बन कहा जाता है, ऑर्थो स्थान कहा जाता है। ठीक सामने वाले को पैरा स्थान कहते हैं, और बचे हुए दोनों स्थानों को मेटा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ब्रोमीन क्योंकि जस्ट बगल में लगा हुआ है तो इसका नाम पड़ गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर इन्होंने जो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप, वो मेटा पोजीशन पे लगाया तो नाम पड़ गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से NH2 ग्रुप देखिए पैरा पोजीशन पे लगाया तो नाम पड़ गया पैरा एमिनोफिनॉल। तो ये इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो जो आपका सिंपलेस्ट फिनॉल होगा, यानी कि सिर्फ बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से या फिर फिनॉल के नाम से जानते हैं। और फिनॉल के केस में जहां पर भी ये OH ग्रुप लगा होगा वही हमारा पहला कार्बन माना जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन दिस सिस्टम सिंपलेस्ट फिनॉल C6H5OH इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी कि इस पद्धति में जो हमारा साधारण फिनॉल होता है जिसका सूत्र है C6H5OH, उसका नामकरण हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल के रूप में किया जाता है। पोजीशन ऑफ मोस्ट प्रायर OH ग्रुप इज असाइंड एज फर्स्ट एंड रेस्ट ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन एज प्रीफिक्सेस। मतलब कि अगर OH ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रायोरिटी का मतलब है यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह अगर OH समूह को माना जा रहा है, तो उस कंडीशन में वही कार्बन पहला कार्बन माना जाएगा, और उसके बाद बाकी कार्बनों की जो है वो नेमिंग होगी, बाकी कार्बनों की नंबरिंग होगी। उदाहरण के रूप में आप अगर यहाँ देखिए, ये तो सिंपलेस्ट फिनॉल है तो इसका नाम फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। वहीं पर यहाँ देखिए ये OH ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद तीन जगह पर आपको ब्रोमीन दिख रहा है, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो तो पहला कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कार्बन, यहाँ पर अगर हम नेमिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब आप कह सकते हैं कि सर हम इस तरफ क्यों नहीं गए, तो क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन देखिए दोनों सेम पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो आप इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर
OH ग्रुप के इधर ब्रोमीन ना होती और सिर्फ इधर लगी होती, लेफ्ट हैंड साइड में ना होकर के सिर्फ राइट हैंड साइड में लगी होती, तो फिर नंबरिंग हम वहीं से करते जहाँ से ब्रोमीन क्या होती, पास पड़ती। तो अब अगर आप देखें तो ब्रोमीन आपकी तीन कार्बन पर है, दूसरे कार्बन, चौथे कार्बन और छठे कार्बन पे, तो नाम क्या पड़ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और 2,4,6 ट्राइब्रोमो हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि फिनॉल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा IUPAC सिस्टम, यानी कि IUPAC नामकरण पद्धति। फिनॉल में आइसोमेरिज्म की बात करें यानी कि समावयवता की बात करें, तो दो तरह की समावयवताएं पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समावयवता, दूसरी पाई जाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म आई थिंक बहुत सिंपल है कि आप फिनॉल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जो OH ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे डेरिवेटिव, किसी दूसरे समूह की पोजीशन आप क्या करते हैं, बदलते जाएं। क्योंकि अगर आप कहें, ये सोचें कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि पहले आपने OH यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, तो नाम बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि छः कार्बन बेंजीन में समान होते हैं। अगर आप यहाँ पर OH ग्रुप लगा देंगे तो ये पहला कार्बन होगा, यहाँ पर लगा देंगे केवल OH ग्रुप तो ये पहला कार्बन बन जाएगा, तो उस कंडीशन में नहीं। लेकिन हाँ, पहले से ही OH ग्रुप उपस्थित हो और उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो कार्बन है उनमें अगर आप किसी समूह की स्थान बदल दें, किसी ग्रुप का आप पोजीशन चेंज कर दें, तो उस कंडीशन में उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने पहले CH3 ग्रुप जो है यहाँ इस कार्बन पे लगाया, तो OH ग्रुप वाला कार्बन पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो यहाँ पर एक तरह से दूसरी पोजीशन पर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो नाम पड़ गया ऑर्थो मेथिल फिनॉल। आप यहाँ पर लगा दीजिए तीसरे कार्बन पे, ये मेटा पोजीशन होती है, तो नाम पड़ जाएगा मेटा फेनिल फिनॉल। आप यहाँ ठीक सामने लगा दीजिए, पैरा पोजीशन होती है, कार्बन संख्या 4 होती है, तो ये हो जाएगा पैरा मेथिल फिनॉल। तो इस तरह से इसके नेम क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता की बात करें, तो कह रहे हैं जो एरिल सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल हैं हमारे, या जो फिनोलिक ईथर है या जो एल्किल फिनॉल है, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर हमने बेंजिल अल्कोहल बनाया CH2OH। आप क्या करो, इस CH2 को हटाओ और OH को डायरेक्ट कार्बन से जोड़ दो। पहले जब हमने बेंजिल अल्कोहल बनाया था तो OH देखिए हमारे डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा है हमारे CH2 से। तो अब हम क्या करें, CH2 को हटा करके OH को डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जोड़ दें और CH2 को फिर हम OH से जोड़ दें, तो ये बन जाएगा OCH3, नाम पड़ जाएगा एनिसॉल। और अगर CH3 को यहाँ से हटा ही दें, किसी और कार्बन पर कहीं पर भी जोड़ दें, 1, 2, 3, 4 इनमें से कहीं पर भी जोड़ दें, तो नाम पड़ जाएगा क्रिसॉल। तो तीनों ही केस में अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो तो चेंज हो गया, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला जो रहा वो क्या रहा, सेम रहा। तो इस तरह की समावयवता को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समावयवता। कि अगर आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जो आणविक सूत्र है, वो समान रहे, लेकिन जो आपके क्रियात्मक समूह हैं वो क्या हो जाएं, बदल जाएं, तो उन्हें कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।